अब अजमेर के ऋषि घाटी शमशान में शवों का अंतिम संस्कार गैस से चलने वाली मशीनों से किया जाएगा। अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा मुक्ति धाम में शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए गैस पर आधारित मशीन लगाई गई। शवदाह के ऑपरेटर दिनेश कुमार ने बताया कि अभी तक 16 दाह संस्कार इस मशीन में किए जा चुके हैं। एक दाह संस्कार में करीब 1.5 घंटा लगता है। दाह संस्कार के 3 दिन बाद शव के परिजन अस्थियां लेकर चले जाते हैं। मुक्ति धाम में बने इलेक्ट्रिक दाह संस्कार गृह का संचालन करने की जिम्मेदारी समिति को दी गई है। शव गृह का उद्घाटन तत्कालीन ADA अध्यक्ष शिव शंकर हेड़ा द्वारा 9 सितंबर 2018 को किया गया था। इसकी विशेषता तो ये सर के जैसे बॉडी अगर मैं अंदर मशीन में डालता हूँ सर, तो घंटा सवा घंटे के अंदर बॉडी का दाह संस्कार हो जाता है। और इसकी विशेषता ये है कि सर कि इसमें आप अस्थियाँ चाहते हो एंड टू एंड चाहते हो घंटे सवा घंटे में तो आपको मिल जाएगी, और नहीं तो तीसरे दिन आप आओ, हम नाम पता बाकायदे लिख के आपको उस दिन की जो डेट देंगे, आपको इस तारीख को आने, आपको उस तारीख को हम आपको अस्थियाँ दे देंगे। वो अस्थियाँ जो आपको लकड़ी दाग में मिलती है वो अस्थियाँ आप आपको भी यहाँ भी मिलेगी। सर अभी तक कितने दाग हो चुके? मैंने कम से कम 15-16 केस कर दिए सर जी। तो किस तरीके से गैस काम में आती है इसमें? ये सर तो इसमें सिस्टम तो आपको अभी मैंने समझाया था, बस क्या है कि गैस और इलेक्ट्रिकल है मतलब। जो हाँ, दोनों लाइटिंग का और इसका गैस का। कितने सिलेंडर ले जाते हैं बॉडी के अंदर? 1.5 लग जाते सर, 1 से 1.5 बॉडी के ऊपर है सर के बॉडी हैवी है तो उसमें कम सिलेंडर भी जा सकता है। अजमेर में पहली मशीन ऐसे लगी? ये पहली मशीन है सर अपने अजमेर। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।